अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट टाइम मस्जिद नबी, और ये उसकी अलग ही एक्साइटमेंट थी। और हम लोग जब मस्जिद नबी पहुँचे, वहाँ हमने ज़ोर की नमाज़ अदा की, क्योंकि हम पहुँचे एक रात पहले थे। और उसके बाद क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, तो हमने रेस्ट किया कि हम मॉर्निंग में जाएंगे। फिर मस्जिद नबी हमारे जो होटल था उससे बिल्कुल ही नज़दीक थी, क्योंकि हमारा जो होटल था वो कुबा फोर्ट पर था, तो हम लोग ईजीली बाय वॉक आराम से आना जाना कर सकते थे। हम लोग फर्स्ट टाइम जो गए थे, तो उसी के अलग एक्साइटमेंट होती है, इसे मैंने बताया आपको। तो जो चाहता हर चीज़ को आप कैप्चर कर लें, तो मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को रिकॉर्डेड कर सकूँ। लेकिन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ सेशन होता है, तो आप उनकी वीडियोज़ बनाओ तो बस ऊपर 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 जितनी आप बना सकते हैं वो हम बनाते हैं। और बहुत अच्छा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत मंजर था। ये जन्नतुल बकी का यहाँ से रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा के सहरा, सलाम अल्लाह अलैहा। लेडीज़ को यहाँ पे जाने नहीं देते, बस ऐसे ही मैं ज़्यारत पढ़ रही थी। अभी हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं, शायद हमें इस वक्त याद हो जाना में एंट्री मिल जाए फोर ज़ियारत, नॉट फॉर नफिल। अभी हम लोग गेट नंबर 25 की तरफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है मंज़र। मस्जिद नबी का एक एक हिस्सा बहुत बहुत खूबसूरत है, दिल करता है कि बस आंखों में समा जाए। तो ये हम लोगों का सेकंड डे था, मतलब इस वीडियो के अंदर मैंने टू डेज़ को कवर किया। एक फर्स्ट डे था जो हम लोग मॉर्निंग में गए थे, ये नेक्स्ट डे की ये वीडियो है। तो हम लोग रियाजुल जन्नत की तरफ जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमें वहाँ पे मौका मिल जाए। और देखिए चाँद कितना खूबसूरत हसीन लग रहा है, और बहुत बहुत खूबसूरत मंज़र था कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकती। तो इंशाल्लाह जो जो नहीं गए हैं रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए, उम्र के लिए, अल्लाह ताला उन सबको नसीब करे कि वो जल्द अज़ जल्द जाके रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे। एटलीस्ट ज़्यारत के लिए चले जाएँ, इंशाल्लाह परमिट के लिए भी, मतलब नवाफी के लिए भी जाएँ। बहुत चलना पड़ता है अभी, इसलिए होता प्लीज़ हमें ज़्यारत नसीब करा दीजिए। जी हम लोग पहुँच तो गए थे उनकी तरफ, लेकिन हमें ज़्यारत नहीं मिली थी रात जन्म की, क्योंकि वो हमें बाद में मिली थी। इस वक्त हमें पता नहीं था कि हमें किस तरफ से जाना है, कहाँ से जाना है।
दो जी में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ये है कि हमें मिल गई थी कुछ दिन बाद क्योंकि हमारे पास सेकेंड डेटा था। तो है कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेरी जरूरत के लिए उन सबको मौका मिले इंशाल्लाह आने से मारूंगा।